जैसा कि आप सब जानते हैं, हर कंट्री अपने आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए हर एग्जाम करती है, जैसे जदीद हथियार बनाना, यानी हर लिहाज से अपने आर्मी को पावरफुल बनाने की कोशिशें जारी रखती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान शोल्डर फायर मिसाइल्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर पाकिस्तान का शोल्डर फायर मिसाइल अनजा, जिसके वेरिएंट्स MK1, MK2 और MK3। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसका मास 16.5 kg और लेंथ इसकी 1.44 meter, डायमीटर इसका 7.2 cm तक है। मैन अगर बात करें इसकी वार हेड और ऑपरेशनल रेंज की, तो वार हेड इसका है 0.55 kg और ऑपरेशनल रेंज इसकी मतलब कितनी दूर तक अपने टारगेट को कवर कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो है 500 से लेकर 5000 मीटर तक। और फ्लाइट एटीट्यूड 30 से लेकर 4000 मीटर तक। और अगर इसकी स्पीड को देखें तो ये 600 मीटर पर सेकेंड है। और इस मिसाइल का यूज़ कारगिल वार में भी किया जा चुका है। अब अगर दूसरे मिसाइल की बात करें तो LYAT मिसाइल सिस्टम एक हवाई परवाज के हदफ को 15 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक रोक सकता है, जबकि जंगी तैयारों के लिए इसकी ज्यादा से ज्यादा रोकने की हद 40 किलोमीटर तक है। FM-90 ये मिसाइल 750 मीटर तक की रफ्तार से समंदरी हदूद में चलने के काबिल है और इसमें ऑपरेटिंग रेंज 15,000 से ऊपर बुलंदी पर तमाम अहदाफ तक है। उसके साथ ही 80% तक वाहिद शॉट हट इम्कान भी मौजूद है। FN-16 एक तीसरी नस्ल का गैर फाल और हुमंग IR मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये चीन ने तैयार किया था और ये इनका जदीद तरीन सितह से मार करने वाला मिसाइल है, जो बैन अलावी मार्केट में पेश किया जाता है। ख़ास तौर पर कम उड़ने वाले अहदाफ को मशगूल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी हद 6 किलोमीटर। अब अगर बात करें FIM-92 स्टिंगर मिसाइल की, तो ये मिसाइल 5 फुट लंबा और 2.8 इंच मतलब 70 मिलीमीटर कतर में है, 3.9 मतलब 100 मिलीमीटर पंख के साथ है। इस मिसाइल का वजन खुद 22 पाउंड मतलब 10 किलो तक है, जबकि इस मिसाइल का लॉन्च ट्यूब और लाजमी नज़ारे वाला, जिसमें एक ग्रेफ स्टाक और IFF एंटीना लगा है, इसका वजन तकरीबन 34 पाउंड मतलब 15.2 किलोग्राम तक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव यानी कुछ ना कुछ अच्छी लगी होगी। तो यार प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।